डॉक्टर साहब मेरी शादी को एक साल हो गया है, बहुत परेशान हूँ, कुव्वते नफ्स बढ़ाने का तरीका बता दें। मेरे भाइयों अगर ताकत चाहते हो ना, अगर ताकत चाहते हो तो मेरे भाइयों दीन को समझो। कुरान में ना, कुरान में रब ताला ने फरमाया एक मर्द शादी कर सकता है, एक भी, दो भी, तीन भी, चार भी। एक मर्द को कितनी शादियां करने की इजाजत है? चार। अच्छा करेगा क्या? अच्छा एक नहीं बढ़ा दी तो चार की तो करेगा। मेरे भाइयों जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे आएगा ना, चार भी करेगा। अब कभी सोचो प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुश्ते खाते थे? नहीं। या वो ऐसी चीजें खाते थे कि जिसका इस्तेमाल उनके घर में तो चूल्हा नहीं जलता था? प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तो कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता था, होता था। तो मेरे भाइयों की ताकतें कहाँ थी और कहाँ से आती थी? मेरे भाइयों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबा सजदा करते थे, लंबा क्याम करते थे, लंबा क्याम। ये जो अपने नफ्स को बढ़ाना चाहते हैं ना, कभी समझो नफ्स है क्या? हमने तो नफ्स किसी और को समझ लिया। मेरे भाइयों ये जो अंदर का नफ्स है ना, जो बंदा क्याम में 5 मिनट खड़ा नहीं हो सकता वो किसी के सामने क्या खड़ा होगा? जो बंदा अपने रब के सामने 20 मिनट नहीं खड़ा हो सका, 5 मिनट सजदे में नहीं जा सका, उसके नफ्स में चाहे ताकत होगी? मेरे भाइयों अल्लाह के सामने खड़ा होना शीख सीख लो। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, एक बार देखो मेरी बात दो है या सच या झूठ, ऐसे ही है ना? मेरे भाइयों सिर्फ एक हफ्ता लंबा क्याम करो, लंबा रुकू करो और लंबा सजदा करो, और प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद यही किया करते थे, और ये सबसे बेहतरीन इलाज है।